नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और इस समय मैं पटना में हूं और पटना का यह गांधी मैदान है। गांधी मैदान में बिहार सरकार द्वारा राज्य स्तरीय यंत्रीकरण का मेला लगाया गया है और जिसमें लगभग 115 किस्मों के यंत्रों पर अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है। अभी हम इस कंपाउंड में हैं और बहुत सारे कृषि यंत्र निर्माताओं से मिल चुके हैं, उस पर उनके अनुभव जान चुके हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं। अब हम एक ऐसे इनोवेटिव फार्मर से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बोए जाने वाली गेहूं की कुछ वैरायटी को, कुछ पुराने धान की किस्मों को संरक्षित करके रखा है जो विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसे किसानों के बारे में जानना और ऐसे बीज को संरक्षित करना आज हम सभी की जिम्मेदारी हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारा अभी जो बीता साल जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट्स के रूप में मनाया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज के रूप में मनाया गया। तो सर से जानेंगे, सर का जो नाम है वो विजय गिरी है और हमारे हाथ में आप देख रहे हैं जो जिस गेहूं की मैं बात कर रहा था, यह सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान उगाई जाने वाली एक किस्म है। तो मैं सीधे उस नवाचारी किसान इनोवेटिव फार्मर से आपसे मुखातिब करा रहा हूं जिन्होंने इस बीज को संरक्षित किया है। उन्होंने बताया कि 18 तरीकों के बीज को उन्होंने संरक्षित किया है, तो एक एक करके इन सारी वैरायटियों के बारे में जानेंगे, उनकी खूबियों के बारे में जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान की इन किस्मों को आपने संरक्षित किया है, इन किस्मों के को दूसरे किसानों को भी आप साझा करें अपना अनुभव कि किस तरीके से आप संरक्षित कर रहे हैं, इनकी खूबियाँ क्या है और कैसे इसको संरक्षित किया जा सकता है। सर, मेरा नाम विजय गिरी है, ग्राम मठपुर सोसा पंचायत रामनगर पश्चिमी चंपारण से मैं हूँ। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि पुराने बीज जो लुप्त हो चुके हैं ना, उसको मैं खोज कर रहा हूँ और जहाँ से जो बीज आ रहा है उसको मैं ला रहा हूँ। अभी जो हमारे पुराने बीजों जो है, मैं चाहूंगा एक एक किस्मों को आप उठा कर उसकी खूबी बताएं। जैसे ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के सोना मोती गेहूँ है, इसमें 12% फोलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, जो आम जैसे महिलाओं के लिए जो खून की कमी हो रही है उनके लिए सबसे लाभदायक, उनको दिया जाए तो खून की कमी की जरूरत नहीं है। तो उत्पादन की अगर बात करें तो प्रति एकड़ या प्रति बीघा कितना उत्पादन? प्रति एकड़ लगभग मैंने 6 से 7 क्विंटल हो जाता है। तो आम जो उन्नत वैरायटी है उससे भी अच्छा उत्पादन है और वो भी जैविक है जी, क्योंकि हम जैविक पर काम करते हैं। जैविक एक ऐसा चीज है जो आप भी स्वस्थ रहिएगा, आपका बच्चों भी स्वस्थ रहेगा और हमारी धरती माता और पर्यावरण सब स्वस्थ रहेगा। तो अपना वह अनुभव शेयर करें, क्योंकि जो किसान जैविक की तरफ गए उनका यह कहना है कि जैविक से उत्पादन घट जाता है, वीडीसाइड यानी खरपतवार नियंत्रण में समस्या आती है, तो इस तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ा? 2016 से इसमें लगे हुए हैं जी जी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले आप 3 साल तक आपका उत्पादन गिरेगा, लेकिन 3 साल के बाद पुनः जब आपका फर्टिलाइजर का और केमिकल का असर कम हो जाएगा तो पुनः आपका उत्पादन बढ़ जाएगा इसका, और इसमें कोई भी कमी नहीं है। खरपतवार भी ज़्यादा नहीं होता है बिना इसी में, कीड़ों का भी प्रकोप नहीं होता। अगर बाई दिन कीड़ा थोड़ा सा आ भी गए तो आप नीम का तेल हुआ उसको छिड़काव कर दीजिएगा, पूरा इसी हो जाएंगे। अच्छा, एक जैसे आप गोल गेहूं दिख रहा है उसी तरीके का एक गोल चावल भी दिख रहा है? एक गोल चावल है, ये आपको अंबे मोहर चावल है जी, ये स्पेशल खीर के लिए चावल है जी, जी। अगर खीर बनेगा तो इसमें आम के मंजर की खुशबू आएगी जी, जी। इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ। और ये भी जैविक है। अच्छा, प्रति एकड़ या प्रति बीघा कितना उत्पादन होगा इसका? इसका भी 12 से 14 क्विंटल हो जाता है एकड़ में। अच्छा, इस जो है धान की खेती है, इसके लिए पानी की कितनी आवश्यकता पड़ती होगी? पानी ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब जैविक में आइएगा ना ऑटोमेटिक पानी की मात्रा कम हो जाएगी। अच्छा, वो जमीन नीचे रहेगा। अच्छा, आपने उसके अलावा भी कई कलर के चावल यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं? एक काला चावल हो गया हमारा, ये शुगर वाले के लिए चावल है, शुगर वाले खाएंगे इसको जी। इसमें भी इंथोसायनिन तत्व बहुत 140 ppm पाया जाता है, जो हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालेगा। उसी तरह से लाल चावल है, लाल चावल भी शुगर वाले के लिए जी जी, शुगर वाले भी इसको खा सकते हैं जी जी। और उनका शुगर लेवल भी बढ़ने नहीं देगा। उसी तरह से हरा चावल हो गया, हरा चावल भी आपका उसी है जो शुगर वाले लोग की सबसे बढ़िया चीज़ है, वो इसको खाएंगे। और ये हमारा सबसे खूबी मैजिक चावल जो ठंडे पानी में भात बनेगा, जो यहाँ लिखा हुआ कि नहीं चाहिए आग, ठंडे पानी में पकेगा भात। और खास करके उस जगह के लिए जहाँ बाढ़ का प्रकोप हो रहा है, या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ऑपरेशन चला रहा है जहाँ भोजन नहीं मिल रहा है, या सेना का कोई ऑपरेशन चल रहा है जो भोजन नहीं मिल रहा है, देखिए इसमें पका हुआ चावल है
अच्छा ठंडे पानी में आपने पका दिया है? जी पका दिया है, इसको खोल कर देख लिया जाए, देखिए खोल कर हाथ से देखिए। अच्छा पूरी तरीके से पका हुआ है चावल। तो इसके अलावा भी आप गेहूँ की तीन वैरायटियाँ दिख रही हैं? गेहूँ का है जैसे ये आपको पर्पल गेहूँ हो गया, इसमें भी जो इनको शाइनिंग तौर पर बहुत ज़्यादा है, जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। और ये तीनों भी जैसे ब्लू गेहूँ का भी उसी तरह का है, और जो काला गेहूँ है इसमें भी तीनों का शुगर लेवल आपको बढ़ने नहीं देगा। अच्छा ये सब कुछ है, ये चूँकि हमारे मोहाली के रिसर्च से निकला हुआ है गेहूँ, वहाँ से हम इसको मंगाए थे और लगाकर अपने लगा कर बहुत से किसानों को हमने इसका बीज प्रोवाइड किया हुआ है। और ख़ास कर मैं कहूँगा कि बिहार का नाम आज पूरे देश में है, आप गूगल पर भी सर्च कीजिएगा तो आपका बीज के बारे में मालूम हो जाएगा जो कहाँ कहाँ दिया गया। केवल पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर छोड़कर बाकी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से बिहार का और चंपारण का बीज वहाँ नहीं गया, वहाँ का किसान आज कर रहे हैं। हम 35 से 40 हज़ार किसान से जुड़े हुए हैं अदर स्टेट से, और वो लोग हमसे बीज लेते हैं, बीज लगाते हैं वो लोग, और जो भी समस्या आती है हमसे बात करते हैं, हम उसको निदान निकालते हैं। तो अगर कोई किसान भाई या किसी दूसरे राज्य के जिले के किसान भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला गेहूं का बीज या ठंडे पानी में पकाए जाने वाला चावल की किस्म सब चीज़ों का बीज आपसे क्रय करना चाहता है तो कैसे क्रय करेंगे? एकदम हमारे मोबाइल नंबर मौजूद है, एक बार चाहेंगे मोबाइल नंबर साझा कर दें। 94-729-63-120 एक बार और रिपीट कर दें, 94-729-63-120 है। आप कभी भी हमसे फोन पर बात कीजिएगा, रात में 8 बजे के बाद बात नहीं होना चाहिए। अच्छा 8 बजे रात के बाद हम अपना मोबाइल बंद कर देते हैं। जरूरी भी है कि परिवार में जाने के बाद, इसके अलावा बहुत सारा मिलेट भी प्रदर्शित आपने कर रखा है, आपका है? अच्छा आपका है। तो साथियों हम अभी पटना में है, पटना का गांधी मैदान है और गांधी मैदान में राज्य स्तरीय यंत्रीकरण मेला चल रहा है। यंत्रों का खेती में बहुत बड़ा योगदान है, ना केवल श्रम की बचत करता है बल्कि समय की बचत करता है और बहुत तरह के आपदा के न्यूनीकरण में भी यह सहयोगी है। और अभी मैंने आपको दिखाया भी कि श्री विजय गिरी जी ने सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधुकालीन जो सभ्यता थी उस दौरान के गेहूं के बीज को संरक्षित किया है, और देश में ऐसे कम किसान हैं जो पुराने बीजों को, पारंपरिक बीजों को संरक्षित कर रहे हैं और खासकर जैविक विधि को अपनाते हुए कर रहे हैं। तो अगर आपको भी ये बीज क्रय करना है तो सीधे विजय गिरी जी ने जो नंबर दिया है उस नंबर पर संपर्क करके आप क्रय कर सकते हैं और आप भी उनके पुराने बीजों के संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।